नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि फ्री में शौचालय का फॉर्म ऑनलाइन कैसे करें। जैसे कि दोस्तों, आप जो है अभी तक अपने ग्राम प्रधान के माध्यम से जो है ऑफलाइन ही फॉर्म फिलअप करवा सकते थे, लेकिन दोस्तों अब जो है आप अपने मोबाइल से ही बहुत ही आसानी तरीके से अपना शौचालय का फॉर्म जो है ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वो भी आप घर बैठे। तो दोस्तों, आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है, और ब्राउजर को ओपन करने के बाद में आपको उस पर टाइप कर देना है पंचायती राज डॉट यू पी डॉट एन आई सी डॉट इन। इतना डाल के आपको सर्च पे प्रेस कर देना है। तो आप इतना डाल के सर्च पे जैसे प्रेस करेंगे तो आपको सबसे ऊपर वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, जो लिखा होगा पंचायती राज डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश। तो आपको इस वाले वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। तो आप इस वाले वेबसाइट पर जैसे क्लिक करेंगे, पंचायती राज की ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह का ओपन होके आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको इस ऐड को यहाँ से क्लोज कर देना है, और क्लोज करने के बाद में आपको थोड़ा नीचे आ जाना है, और नीचे आ जाने के बाद में यहाँ पर देखिए लिखा होगा महत्वपूर्ण लिंक। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा होगा ग्राम प्रधान द्वारा पंचायत भवन या अंत्येष्ट स्थल एवं व्यक्तिगत शौचालय की मांग हेतु आवेदन। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जो कि दोस्तों यहाँ पर देखिए न्यू लिख गया है। अभी अभी ये जो है एक नई अपडेट खुल के आई है कि आप जो है अपने मोबाइल से ही अपना शौचालय का फॉर्म फ्री में ऑनलाइन कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म कुछ इस तरह का शो होके आ जाएगा, ओपन होके आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको जो है अपना फ्री में शौचालय का फॉर्म फिलअप करना है, तो आपको यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन शो होके आ रहा है, जो कि पहले ऑप्शन पे सेलेक्ट हुआ है पंचायत भवन, और दूसरा ऑप्शन है अंतरिष्ट स्थल, और तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत शौचालय। तो आपको व्यक्तिगत शौचालय वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, इस पर आपको सेलेक्ट कर देना है। तो आप इस पर जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ डिटेल इस तरह का ओपन होके आ चुका है, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर अपना आवेदन का प्रकार क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए लिखा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए लिख के आ जाएगा जनपद, तो आपको जनपद वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में आपका जो भी जिला हो, जो भी आपका जनपद हो, आप अपना जिला अपना जनपद जो है चूज कर लीजिएगा। और जनपद को चूज करने के बाद में आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है ब्लॉक पंचायत, तो आपका जो भी ब्लॉक पंचायत हो आप अपना ब्लॉक पंचायत चूज कर लीजिएगा। और ब्लॉक पंचायत को चूज करने के बाद में आपको ग्राम पंचायत भी चूज कर लेना है, तो आपका जो भी ग्राम पंचायत हो आप अपना ग्राम पंचायत इस लिस्ट में से अपना चूज कर लीजिएगा। और चूज करने के बाद में आपको राजस्व ग्राम का नाम यहाँ पर फिल कर देना है। आपके ग्राम पंचायत में आपका जो भी ग्राम हो, जैसा कि दोस्तों एक ग्राम सभा में कई ग्राम का नाम होता है, कई गांव का नाम होता है, तो आप अपने गांव का यहाँ पर नाम फिल कर लीजिएगा। और नाम फिल करने के बाद में आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर देखिए लिखा होगा आवेदन की श्रेणी, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप अगर APL हैं तो आपको APL सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आप BPL से आते हैं तो आपको BPL सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद में आपको आवेदक का नाम यहाँ पर देखिए लिखा होगा, तो आप यहां पर अपना नाम फिल कर लीजिएगा, और यहां पर अपने पिता या पति का नाम आपको फिल कर देना है। और फिल करने के बाद में आपको मोबाइल नंबर, नेक्स्ट स्टेप आपको मोबाइल नंबर यहां पर फिल कर लेना है। और मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद में आपको अपना आधार कार्ड यहां पर फिल कर लेना है, आधार कार्ड नंबर आपको यहां पर डाल देना है। और उसके बाद में अपना बैंक अकाउंट नंबर यहां पर फिल कर देना है, और फिल करने के बाद में आपको बैंक का नाम यहां पर फिल कर देना है। और दोस्तों, बैंक का नाम यहां पर फिल करने के बाद में आपको IFSC कोड भी यहां पर फिल कर लेना है। और फिल करने के बाद में आपको यहां पर तीन डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा, जैसे कि दोस्तों यहां पर देखिए लिखा होगा आवेदक के घर की फ़ोटो, तो आपको यहां पर अपने घर की फ़ोटो यहां पर अपलोड करना पड़ेगा। और अगला डॉक्यूमेंट होगा आवेदक के आधार कार्ड की प्रति यहाँ पर अपना अपलोड करना होगा, जो कि दोस्तों आपका आधार कार्ड 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपका 20 KB में आधार कार्ड होना चाहिए, और वो PDF फाइल में होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ फोटो भी जो है 20 KB में होना चाहिए, और उसको भी आप JPG फाइल में सेव करके अपलोड कर दीजिएगा। और दोस्तों आधार कार्ड को अपलोड करने के बाद में आपको अपना बैंक का पासबुक यहाँ पर लिखा होगा आवेदक के बैंक पासबुक की प्रति यहाँ पर जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा, वो भी आपको 20 KB में और PDF फाइल में आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। और अपलोड करने के बाद में आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आप सेव वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका शौचालय का फॉर्म जो है फाइनल सबमिटेड हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इसी तरह से जो है अपना शौचालय का फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, ऑनलाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि शौचालय का फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।